अस्सलाम वालेकुम, क्लास नाइन्थ मैथ्स साइंस ग्रुप, चैप्टर 16, थ्योरम 16.1.1। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और कंप्लीट क्वेश्चन वाइज नोट्स के लिए www.educatorsmania.com/beta पे लॉग ऑन करें। थ्योरम नंबर 16.1.1 की स्टेटमेंट है, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस और ऑफ द सेम अल्टीट्यूड आर इक्वल इन एरिया। यानी पैरेललोग्राम्स जिनकी बेस सेम हो और दो पैरेलल लाइंस के दरमियान हो, सेम पैरेलल लाइंस के दरमियान जो बन रही हों, या जिनके अल्टीट्यूड सेम हो, उनका एरिया इक्वल होता है। सो गिवन है हमारे पास टू पैरेललोग्राम्स ए बी सी डी एंड बी ई ए बी ई एफ। यानी हमारे पास ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है अगर देखा जाए तो, और दूसरी पैरेललोग्राम है ए बी ई एफ जिसमें ए बी बेस सेम है, यानी कि ए बी बेस जो है इनमें वो सेम है, और ए बी और एफ सी जो हैं ये दो ऐसी पैरेलल लाइंस हैं जिनके दरमियान ये ट्रायंगल्स, ये सॉरी पैरेललोग्राम्स बन रही हैं। सो टू प्रूव है यहाँ पे कि एरिया ऑफ ए बी सी डी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी ई एफ, ये हमने प्रूव करना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ। नाउ अगर हम इन पिक्चर्स को गौर से देखें, इस डायग्राम को गौर से देखें, तो ये जो दो पैरेललोग्राम्स बन रही हैं ए बी सी डी और ए बी ई एफ, इनमें हर एक पैरेललोग्राम में एक शेप तो ऐसी है जो कि कॉमन है, और इसके अलावा ये ट्रायंगल उसके अलावा है, और इसके अलावा ये ट्रायंगल। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम ए बी सी डी का टोटल एरिया देखें तो यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी है इसका एरिया, और एक ट्रायंगल है बी सी ई इसका एरिया जो है, इन दोनों को ऐड किया जाए तो ए बी सी डी का एरिया बनेगा। सो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ए बी सी डी पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी प्लस एरिया ऑफ सी बी ई। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ए बी ई डी क्वाड्रिलेटरल प्लस बी सी ई या ई सी बी, जो भी इस ट्रायंगल का नाम लें, इन दोनों के एरियाज़ को ऐड किया जाए तो पैरेललोग्राम ए बी सी डी का एरिया बनता है। नाउ इसी तरह से दूसरी पैरेललोग्राम जो है, जो कि ए बी ई एफ है, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें भी इसका टोटल एरिया जो है क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी के एरिया को अगर हम ट्रायंगल एफ ए डी या डी एफ ए या ए डी एफ, जो भी आप कह लें, ए एफ डी बेशक नाम लें इसका, इसके एरिया को ऐड करें तो हमारे पास ए बी ई एफ का टोटल एरिया आ जाता है, आई ई एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ डी। यानी ये ट्रायंगल और ये क्वाड्रिलेटरल, इसका एरिया टोटल ए बी ई एफ पैरेललोग्राम के इक्वल आता है। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ए एफ। सो ट्रायंगल्स सी बी ई और डी ए एफ में अगर हम देखें तो सी बी ई विल बी इक्वल टू डी ए, क्योंकि पैरेललोग्राम की ये अपोजिट साइड्स हैं। इसी तरह से बी ई और ए एफ भी इक्वल होंगी, क्योंकि ये भी पैरेललोग्राम्स की अपोजिट साइड्स ही बनती हैं।
सो इस तरह से अगर देखा जाए तो अगर बी सी ए डी और बी ई ए एफ दोनों कांग्रेंट हैं तो इसका मतलब है कि एंगल सी बी ई विल आल्सो बी कांग्रेंट टू डी ए एफ। तो चूंकि इन दोनों रिजल्ट्स के ज़रिए से हमने ये भी कह दिया, तो इन दो दो ट्रायंगल्स में तीन रिजल्ट्स हमने इक्वल इक्वल प्रूफ कर दिए हैं। सो सी बी ई ट्राइंगल इज़ कांग्रेंट टू डी ए एफ। तो पहली और दूसरी इक्वेशन में अगर देखा जाए तो सी बी ई और डी ए एफ अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो क्वाड्रेटरल ए बी ई डी तो ऑलरेडी ही इक्वल हैं। सो एरिया ऑफ सी बी ई इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ डी ए एफ, हेंस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ फ्रॉम दीज थ्री रिजल्ट्स। जैसे मैंने पहले बताया कि ये ही सिर्फ डिफरेंट एरिया था, वो भी इक्वल आ गया है। सो दीज पैरेललोग्राम्स आर इक्वल टू ईच अदर। उम्मीद है कि आपको थ्योरम नंबर 16.1.1 भी समझ आ गया होगा। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग द वीडियोस, एंड इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू एनी एक्सरसाइज और क्वेश्चन यू मे आस्क इन द कमेंट्स, एंड कीप विजिटिंग www.educatorsmania.com/beta फॉर कंप्लीट नोट्स एंड क्वेश्चन वाइज लेक्चर्स। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।